गाइस पिंटरेस्ट एफिलिएट सीरीज में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम किस प्रकार पिंटरेस्ट के ऊपर कॉम्पिटिटर एनालिसिस कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि पिंटरेस्ट कॉम्पिटिटर एनालिसिस होता क्या है। तो गाइस आपने अपना एक पिंटरेस्ट अकाउंट बनाया, काफी मेहनत करी, उसके ऊपर बहुत सारी पिंस को पोस्ट किया है, बहुत सारी आइडिया पिंस बनाई है, बहुत सारी वीडियो पोस्ट करी है, परंतु आपके पिंटरेस्ट के अकाउंट के ऊपर ना ही इंप्रेशन आ रहे हैं, ना ही उसके ऊपर क्लिक्स आ रहे हैं, ना ही उसके ऊपर इंगेजमेंट आ रही है। तो इसका रीजन क्या है? तो इस रीजन का आंसर आपको कॉम्पिटिटर एनालिसिस दे सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि गाइस पिंटरेस्ट के ऊपर जितने भी नीशेज होती हैं, सभी अलग तरीके से काम करती है। मींस हेल्थ की नीश अलग तरीके से काम करेगी, वेल्थ की नीश अलग तरीके से काम करेगी, मेक मनी की नीश अलग तरीके से काम करेगी, ब्लॉगिंग की नीश अलग तरीके से काम करेगी। तो हमें ये पैटर्न समझना होगा कि नीश किस प्रकार से काम कर रही है, समझे? अगर आपको समझ में आ गया कि ये नीश इस तरीके से काम कर रही है, देन आप आसानी से अपने पिंटरेस्ट अकाउंट को ग्रो कर पाएंगे। तो इसमें हम कैसे अपनी नीश को ग्रो करें? तो इस नीश को ग्रो करने का सबसे अच्छा तरीका है पिंटरेस्ट कॉम्पिटिटर एनालिसिस। हम क्या करेंगे, जो हमारी फील्ड है, जैसे मेरी फील्ड क्या हेल्थ है, तो हेल्थ के अंदर जो मेरा सबसे बड़ा पर्सन है, उसके अंदर जो हमारी हेल्थ नीश के अंदर सबसे बड़ा बंदा है, जो उसके अंदर कमाल कर रहा है पिंटरेस्ट के अंदर, मैं क्या करूंगा, उसको एनालाइज करूंगा कि वो ऐसा क्या कर रहा है जिसकी वजह से उसका अकाउंट ग्रो हो रहा है। और वही चीजें मैं क्या करूंगा, अपने पिंटरेस्ट अकाउंट के ऊपर अप्लाई करूंगा, देन उसके बाद रिजल्ट गेट करने की कोशिश करूंगा। अगर आप अपने जो मेन बंदा है उसको समझ के अपने पिंटरेस्ट अकाउंट को रन करते हैं, तो मेरे हिसाब से आपके पिंटरेस्ट अकाउंट उसके जैसा तो नहीं, परंतु 80% तक उसके जैसे ही रन करना स्टार्ट कर देगा। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, पिंटरेस्ट के ऊपर कॉम्पिटिटर एनालिसिस करना चाहिए। अब आप कॉम्पिटिटर एनालिसिस करने के लिए किस किस फैक्टर का यूज करेंगे, उसके बारे में आपको बता देता हूं। गाइस पिंटरेस्ट के ऊपर कॉम्पिटिटर एनालिसिस करने के लिए हम 5 फैक्टर्स का यूज करेंगे, जिसमें पहला फैक्टर क्या आपका, फाइंड द कॉम्पिटिटर। अब मैं क्या करता हूँ, प्रैक्टिकली आपको कॉम्पिटिटर फाइंड करके दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्या करा है, अपना एक पिंटरेस्ट अकाउंट ओपन कर लिया है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर सर्च का जो ऑप्शन आ रहा है इसके अंदर क्लिक करना है और जो आपकी नीश है उसको यहाँ पर टाइप कर देना। जैसे मेरी नीश यहाँ पर क्या है, योगा, तो मैं यहाँ पर इसको टाइप कर दूंगा और देन इसके किस पर क्लिक कर दूंगा, एंटर के ऊपर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। परंतु यहाँ पर मेरा फिल्टर क्या लगा हुआ, यूर पिन, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पर क्या सेलेक्ट कर दूंगा, पीपल, ठीक है। क्योंकि जो हमारा पिंटरेस्ट के अंदर मेन जो कॉम्पिटिटर है वो कौन से, पीपल। सो मुझे क्या करना है, इनको आइडेंटिफाई करना है। पीपल मतलब क्या होता है, अकाउंट्स, ठीक है। तो ये सभी क्या है, मेरे यहाँ पर कॉम्पिटिटर है। तो आप देख सकते हैं योगा से रिलेटेड कितने कॉम्पिटिटर यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। इसमें हम कहाँ एग्जिस्ट करते हैं ये भी हमें नहीं पता, तो इतने सारे हमारे क्या कॉम्पिटिटर हैं। तो क्या मैं सभी कॉम्पिटिटर को यहाँ पर एनालाइज करूंगा, नहीं। हम यहाँ पर क्या करेंगे, टॉप 10 कॉम्पिटिटर को एनालाइज करेंगे, उनको समझेंगे कि उन्होंने कैसे काम किया है, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, वही चीज क्या करेंगे, अपने पिंटरेस्ट अकाउंट के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, टॉप 10 जो मेरे कॉम्पिटिटर है उनको यहाँ पर क्या करूंगा, मैं एनालाइज करूंगा। तो यहाँ पर पहला कॉम्पिटिटर कौन है, 7 परिणाम योगा, फिर दूसरा कौन सा, योगा। इनका इनके फॉलोअर्स भी देख सकते हो आप कितने सारे हैं, अब हम इनको एनालाइज करेंगे। तो गाइस हमने यहाँ पर अपना पहला फैक्टर तो पास कर लिया, हमने कॉम्पिटिटर तो फाइंड कर लिया है, अब हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पर एनालाइज द कॉम्पिटिटर। अब हम क्या करेंगे, अपने सभी कॉम्पिटिटर को यहाँ पर क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। तो जैसे मेरे पहला वाला कॉम्पिटिटर, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो एनालाइज करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 2 फैक्टर्स का यूज करूंगा। पहला, नंबर ऑफ फॉलोअर्स कितने हैं इसके, दूसरा इसके मंथली पेज व्यूज कितने आते हैं। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं, तो यहाँ पर इसके मंथली पेज व्यूज कितने आ रहे हैं, 5.5 मिलियन, बहुत ही ज्यादा है, हमसे कम से कम लगा लो काफी गुना इसका ज्यादा है। और इसके फॉलोअर्स कितने हैं, 33.9K फॉलोअर्स, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अगर आपको कॉम्पिटिटर है तो आपको क्या करना है, एक तो उसका फॉलोअर चेक करना और उसने कितने बंदों को फॉलोइंग करा है। क्योंकि क्या होता है, कई बार हम फॉलोअर फॉलोइंग का गेम खेलते हैं, क्या करते हैं, मैं तुम्हें फॉलो करूंगा तुम मुझे फॉलो करो, है ना। तो बहुत से इस तरीके से अपने फॉलोअर्स को बढ़ा लेते हैं, परंतु ये क्या अकाउंट क्या बिल्कुल जेन्युइन है। कैसा अकाउंट जेन्युइन है, क्योंकि यहाँ पर फॉलोअर्स कितने हैं, 33.9K, परंतु उसके फॉलोइंग कितने, 0। इसका मतलब क्या है, सभी लोगों ने खुद से इसको क्या करा है, फॉलो करा है। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है। इसी तरीके से आपको क्या करना है, अगले 10 कॉम्पिटिटर को फाइंड करना है और उसमें देखना है आपको कि उनके फॉलोअर्स कितने हैं और उनके कितने पेज व्यूज आ रहे हैं मंथली बेसिस पे। तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर अगर हम इस वाले आंकड़े की बात करें तो इस केस के अंदर हम क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। परंतु इस आंकड़े को हम पास कैसे करें, गाइस एक सीधी सी बात है, इसके फॉलोअर्स कितने, 33,000 है और मंथली पेज व्यूज कितने इसके, 5.5 मिलियन। अगर इसके फॉलोअर्स ज्यादा है, अगर एक किसी भी पिन को पोस्ट करता है तो सबसे पहले कौन देखता है, इसके फॉलोअर्स देखते हैं। तो उससे क्या हो जाता है, इसकी पिन ऑटोमेटिकली रैंक कर जाती है और रैंक करने के बाद क्या होता है, उसके ऊपर ऑटोमेटिकली क्या आने लग जाते हैं, व्यूज आने लग जाते हैं। तो अगर हमारे थोड़े फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं तो हमारे भी यहाँ पर जो पेज व्यूज है वो भी क्या हो सकते हैं, इंक्रीज हो सकते हैं। तो पहला केस आपको क्या फाइंड करना था, अपने जो कॉम्पिटिटर है उसके फॉलोअर और उसका जो पेज व्यूज उसको देखना है कि वो आपसे कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है।
सो गाइस, पहले दो पॉइंट से हमें ये पता चल चुका है कि हमारा कॉम्पिटिटर कौन है और हमसे कितना ज्यादा पावरफुल है। अब हमें इन दोनों पॉइंट से क्या बेनिफिट होगा? तो गाइस, इन दोनों पॉइंट से हमें ये बेनिफिट होगा, हमें ये पता चल चुका है कि हमारे नीश के अंदर कितना पोटेंशियल है। अगर हमारे जो टॉप कॉम्पिटिटर बंदा है उसके पेज व्यूज मिलियंस में आ सकते हैं, तो इसका मतलब है अगर हम ढंग से काम करें तो हमारे पेज व्यूज भी मिलियन में जा सकते हैं। तो पहले दो पॉइंट से हमें इस बात की जानकारी हो जाती है। अब हमारा तीसरा पॉइंट आता है, अंडरस्टैंड द पिन पैटर्न। अंडरस्टैंड द पिन पैटर्न का मतलब है कि आपको अब क्या करना है, अपने कॉम्पिटिटर के पिन के पैटर्न को एनालाइज करना है कि आपका जो कॉम्पिटिटर है वो किस प्रकार से पिन बना रहा है, वो एक ही पैटर्न को फॉलो करता है या हर बार पिन के अंदर कुछ वेरिएशन लाता है। तो इसको हम प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूं। तो हम क्या करते हैं, वापस अपने पिंटरेस्ट अकाउंट के ऊपर आते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, उसके सभी पिन को देखते हैं। तो गाइस, यहाँ पर आप ध्यान से देखना इसके पिन को। तो अगर हम इसके पिन को ध्यान से देखते हैं तो इसने क्या करा है, ज्यादातर एक ही पैटर्न को फॉलो करा है। पैटर्न क्या है इसका, बैकग्राउंड क्या है इसका, रेड होता है और यहाँ पर क्या करते हैं, वर्ड्स का यूज करता है, एक दो फोटो लगाता है ना। ज्यादातर सब पिन को देखो ध्यान से, सारे पैटर्न क्या पा रहे हैं इसके, एक जैसे ही पा रहे हैं। तो ये भी हमें पता चल चुका है कि ये अपना कैसे काम कर रहा है, मतलब ये क्या करता है, मैक्सिमम अपनी जो पिन है उसको एक ही तरीके से बनाता है। उसमें क्या है, ये यूज करता है, एक उसमें हेडिंग रखता है, दूसरा उसके अंदर थोड़ा सा कंटेंट रखता है, तीसरा इसके अंदर इमेज रखता है। तो हमने ये भी एनालाइज कर लिया है कि वो किस प्रकार से पिन बना रहा है। तो दोस्तों, इसका बेनिफिट क्या होगा? दोस्तों, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा, हमें ये समझ में आ चुका है कि अब हमें अपनी इमेजेस कैसे बनानी है। तो हमें भी क्या करना है, अपनी इमेजेस के अंदर कुछ ऐसा ही पैटर्न फॉलो करना है, पर इसका कॉपी पेस्ट नहीं करना है, हम अपनी इमेज को थोड़ा मॉडिफाई करके बनाना है। तो हम इमेज के अंदर क्या कर सकते हैं, इसमें देखो यहाँ क्या दिमाग लगाया, इसमें क्या करा है, मैक्सिमम कॉन्टेंट को क्या कर दिया, अपनी इमेज के ऊपर एम्बेड कर दिया है। इससे क्या बेनिफिट हो रहा है इसको, इसका जो इमेज है उसका भी क्या हो रहा है, एसईओ हो रहा है। तो आप भी क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से अपनी इमेज का एसईओ कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, अपनी इमेज के अंदर इसी की तरह क्या करेंगे, एक टाइटल लिखेंगे और टाइटल के बाद क्या कर देंगे, उसके अंदर थोड़ा सा कंटेंट लिख देंगे और एक इमेज लगा देंगे। इससे क्या हो जाएगा, जो पिंटरेस्ट का जो एल्गोरिथम है वो आपकी इमेज को समझेगा और समझने के बाद उसको रैंक करवा देगा। परंतु एक बात को आपको ध्यान रखना है, आपको जो अपनी इमेज है उसके अंदर सारा कंटेंट नहीं लिखना है। अगर अपनी इमेज के ऊपर आप सारा कंटेंट लिख देंगे तो बंदा उसके ऊपर क्लिक नहीं करेगा, वो ओनली इमेज के ऊपर रीड करके बाउंस बैक हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, कंटेंट लिखना है, पर कंटेंट इतना लिखना है कि उसको पढ़ने के बाद उसके अंदर जिज्ञासा है और वो क्लिक करके आपके ब्लॉग के ऊपर जाए ताकि वो आपके पूरे कंटेंट को पढ़ सके। गाइस, इसकी इमेजेस के बाद अब हम क्या करेंगे, इसके कंटेंट को भी एनालाइज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसके कंटेंट के ऊपर क्लिक करेंगे और देखेंगे किस टाइप का कंटेंट बनाता है। तो यहां पर इसने क्या करा, ओनली हेडिंग लिखा है, उसके अलावा कुछ नहीं लिखा है ना। तो एक तो ये इस टाइप का कंटेंट बना रहा है, दो चार इसकी पिन को एनालाइज करके देख लेते हैं किस किस टाइप का कंटेंट बना रहा है। यहाँ पर इसने क्या करा, ओनली हेडिंग का यूज करना, ना ही कोई डिस्क्रिप्शन है, ना ही कोई हैशटैग है, ना ही कोई ओल्ड टैक्स है इसके अंदर। ठीक है, और भी चेक करते हैं इसके अंदर, हम इस पर क्लिक करके देखता हूँ मैं। तो यहाँ पर भी क्या सेम वही पैटर्न है इसका। तो क्या कर रहा है, पिछली 5-7 पिन इसने क्या करी, ओनली टाइटल टाइटल बनाया, ना ही उसके अंदर कोई डिस्क्रिप्शन लिखा है, ना ही उसके अंदर क्या करा है, कोई हैशटैग्स लगाए हैं। इसको जरा हम चेक करते हैं, यहाँ पर इसने क्या करा है, यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। यहाँ पर क्या करा है, इसने टाइटल भी लिखा है और थोड़ा सा यहाँ पर क्या लिखा है, इसने डिस्क्रिप्शन लिखा है यहाँ पर। ठीक है, ओके, और एक दो इसको एनालाइज करता हूँ, फिर मैं आपको थोड़ा सा इसका जो इनसाइट है वो बताता हूँ। ठीक है, और देखते हैं इसको, नहीं ये खाली एक ही पैटर्न फॉलो कर रहा है। पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है, ओनली ये टाइटल लिख रहा है, डिस्क्रिप्शन नहीं लिख रहा, ना ही हैशटैग्स लिख रहा है। तो आपको क्या करना है, अपनी पिन के अंदर आप क्या करेंगे, इसे एक स्टेप आगे जाएंगे, आपने अपनी पिन की इमेज डिजाइन करनी सीख ली। अब आपको क्या करना है, जब भी आप पिन बनाएंगे तो आपको क्या करना है, इससे अच्छी पिन बनानी है। अच्छी पिन कैसे बनाएंगे, आप क्या करेंगे, अपनी पिन के अंदर क्या लगा देंगे, अच्छा सा टाइटल, दूसरा इसके अंदर अच्छा सा डिस्क्रिप्शन लगाएंगे, तीसरा इसके अंदर हैशटैग्स लगाएंगे, फिर अच्छा सा ओल्ड टैग्स लगाएंगे, फिर अच्छे से क्या करेंगे, इसको कस्टमाइज करेंगे। आपको क्या करना है, इस तरीके से अपने आपको मॉडिफाई करना है। इसने जो चीज अधूरी करी आपको क्या करना है, उसको पूरा करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली आप इसको भी बीट कर सकते हैं। आपको टाइम लग जाएगा, ये नहीं कह रहा एक दिन में बीट कर देंगे, आपको 6 महीने या 1 साल लग जाएगा, परंतु आप इसको डेफिनेटली बीट कर देंगे, क्योंकि आपने इस जो पिन को एनालाइज किया है। तो इसने क्या गलती कर रखी, ओनली यहाँ पर टाइटल लिखता है, टाइटल के अलावा यहाँ पर कुछ नहीं लिखता है। तो हम यही इस चीज का फायदा उठाएंगे और यहीं से इसको क्या कर देंगे, बीट कर देंगे। सो गाइस, अब हमने तीसरा चीज समझ ली है, अंडरस्टैंड द पिन पैटर्न, हमने पिन का पैटर्न समझ लिया कैसे ये पिन बना रहा है। अब चौथा पॉइंट आता है टाइप्स ऑफ पिन। अब टाइप्स ऑफ पिन का मतलब क्या है, क्या ये एक ही तरीके की पिन बनाता है, एक तरीके की पिन का मतलब क्या है, जैसे इसकी नीश क्या है योगा, तो क्या योगा से रिलेटेड पिन बनाता है या इसके अंदर कुछ अलग अलग चीजें भी यूज करता है, तो हमें वही समझना है यहाँ पर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, वापस इसके पिंटरेस्ट अकाउंट के ऊपर जाता हूँ। ठीक है, अब देखता हूँ यहाँ पर इसने ओनली योगा से रिलेटेड पिन बनाई है या फिर इसके अलावा कुछ इसने अलग चीज भी यहाँ पर ट्राई करी है। तो हम जरा चेक करते हैं, यहाँ पर आसना, मुद्रा, योगा, डायबिटीज योगा, सारा योगा भरा है इसने यहाँ पर, योगा। जरा ध्यान से देखते हैं, कुछ अलग चीज पाती है तो उसको हम जरा देखते हैं। डू यू नो टमाटो स्लाइस डेली रबन स्किन, यहाँ पर पढ़ना है। यहाँ पर इसने थोड़ा एक अलग यूज कर, यहाँ पर इसने क्या यूज कर लिया, देखो योगा योगा चल रहा था, अब यहाँ पर इसने टर्मरिक के बेनिफिट लगा दिए हैं, यहाँ पर क्या लगा दिया, यहाँ पर टमाटर के फायदे बता दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या बताया, मेडिटेशन के बारे में बताया, यहाँ पर फूड के बारे में बताया, इसने क्या मिक्सी कॉन्टेंट बनाया जाता है।
योगा के साथ में इसने क्या बनाया, फिटनेस को भी प्लस में फ्रूट्स को भी इसने इसके अंदर इंक्लूड किया है। क्या आप भी ऐसे इसके अंदर अपनी पिंस बनाएंगे? नहीं गाइस, आपको ऐसा नहीं बनाना है। अगर इसने पर मिक्स कंटेंट यूज करा तो आपको एक नीश के ऊपर कंटेंट बनाना है। नीश के ऊपर कंटेंट बनाने का बेनिफिट क्या होता है वह मैं आपको बता देता हूँ। नीश के ऊपर कंटेंट बनाने का पहला बेनिफिट होता है कि जितने भी सर्च इंजन होते हैं वो क्या करते हैं, एक नीश को ही फाइंड करते हैं। सपोज करो ये वाला अपना जो पिंटरेस्ट का अकाउंट है इसके अंदर क्या मल्टीपल पिंस बनाई गई है, लाइक फ्रूट के ऊपर पिन बनाई गई है, योगा के ऊपर पिन बनाई गई है, मेडिटेशन पिन बनाई गई है, तो क्या इसको अथॉरिटी नहीं मिलेगी? अगर आप नीश के ऊपर एक पिन बनाएंगे तो सर्च इंजन को यह समझ में आ जाएगा कि ये जो वेबसाइट है या फिर ये जो पिंटरेस्ट अकाउंट है इसके ऊपर एक ही कंटेंट पाता जो कि किसका पे, योगा का। तो इसका मतलब क्या हो गया, उसके नजर में ये आ चुका है कि इस अगर वेबसाइट अगर कोई बंदा योगा से रिलेटेड क्वेरी करेगा तो मुझे क्या करना है, इस पिंटरेस्ट अकाउंट को उसके सामने डिस्प्ले करना है। क्यों? आपके जो पिंटरेस्ट अकाउंट है उसके ऊपर क्या ओनली योगा से रिलेटेड ही कंटेंट है, तो पिंटरेस्ट का जो सर्च इंजन उसके दिमाग में ये बैठ चुका है कि ये जो वेबसाइट है, ये जो आपका पिंटरेस्ट अकाउंट है उसके अंदर योगा ही मिलेगा। तो कोई बंदा अगर योगा से रिलेटेड क्वेरी करेगा तो मुझे क्या करना है, इस अकाउंट को ही सामने डिस्प्ले करना है। अगर आप मिक्स कंटेंट कर देंगे तो सर्च इंजन में क्या हो जाएगा, पागल हो जाएगा, उसे ये समझ में नहीं आएगा कि ये अगर किसके सामने क्या चीज डिस्प्ले करे। तो नीश के ऊपर कंटेंट बनाने का ये बेनिफिट होता है। दूसरा बेनिफिट क्या होता है, जो आपके यूजर होते हैं उनका आपके ऊपर ट्रस्ट बढ़ता है। कैसे ट्रस्ट बढ़ता है कि अगर आप मिक्स कंटेंट बनाएंगे तो इससे क्या दूसरे बंदे के दिमाग में क्या आइडिया जाता है कि इस बंदा क्या करता है, कहीं से रीड करता होगा वहां से ये लिखता होगा। परंतु अगर आप एक ही नीश के ऊपर कंटेंट लिखते रहेंगे लाइक योगा, तो योगा से रिलेटेड सारी चीज लिखेंगे तो इसका मतलब क्या, इस बंदे को नॉलेज है तभी वो योगा से रिलेटेड ही चीज लिखता है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखता है। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका यूजर का आपके ऊपर ट्रस्ट हो जाएगा। अगर यूजर का आपके ऊपर ट्रस्ट होगा तो जो आप यूजर्स कहेंगे वही वो करेगा। कैसे करेगा, अगर यूजर को आपके ऊपर ट्रस्ट हो चुका है तो आपने कह दिया ये वाला प्रोडक्ट ये अच्छा है, तो यूजर क्या करेगा, उसके ऊपर बिलीव करेगा और मैक्सिमम चांसेस बन जाएगी वो उस प्रोडक्ट को बाय भी कर ले। तो ये बेनिफिट होता है नीश के ऊपर कंटेंट लिखने का। तो आपको क्या करना है, मिक्स कंटेंट नहीं बनाना है, आपको एक नीश के ऊपर क्या करना है, अपना कंटेंट बनाना है। तो गाइस हमारा लास्ट पॉइंट आता है एंगेजमेंट। एंगेजमेंट का मतलब क्या है, पिंटरेस्ट के ऊपर आपने जो पिन बनाई है उसके ऊपर लाइक्स आ रहे हैं, उसके ऊपर कमेंट्स आ रहे हैं। आपको नहीं पता होगा जैसे YouTube के ऊपर आपके लाइक्स और कमेंट्स आते हैं, सेम टू सेम पिंटरेस्ट के ऊपर भी आपके लाइक्स और कमेंट्स आते हैं। तो हमें वही चेक करना है क्या जो ये पिन बनाता है उसके ऊपर लाइक्स और कमेंट्स आते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ लाइक्स और कमेंट्स का क्या बेनिफिट होता है। तो एक बार मैं जरा आपको चेक करके दिखाता हूँ, जैसे मैं इसके एक पिन को ओपन कर लेता हूँ, ये वाली पिन ओपन करता हूँ, चेक करता हूँ लाइक आ रहे हैं। तो गाइस यहाँ पर आपको साफ दिख रहे हैं, यहाँ पर इसको कितने लाइक मिले, 20 लाइक्स मिले हैं। देन कमेंट्स, यहाँ पर कमेंट्स क्या है, कोई कमेंट यहाँ पर है, 2 कमेंट्स हैं यहाँ पर आपके, तो इसके क्या यहाँ पर 2 कमेंट्स मिले हुए हैं यहाँ पर इसको, ठीक है। इस प्रकार चेक करते रहना आपको इसको कितने पिन्स हैं और कितने मैक्सिमम लाइक मिलते हैं और कितने मैक्सिमम इसकी पिन के ऊपर कमेंट आ रहे हैं। तो मैंने दो ही पिन इसके एनालाइज कर रहा हूँ, तो इसके पिन के ऊपर कितने लाइक्स आ रहे हैं, कम से कम 20 की एवरेज लाइक आ रहे हैं और कमेंट भी क्या 102 कमेंट आ जाते हैं। मैक्सिमम मतलब क्या, इसके पिंटरेस्ट की जो पिन्स हैं उसके ऊपर 20 की एवरेज से तो लाइक्स आ रहे हैं और एक या दो इस पर कमेंट आते हैं। इसका मतलब इसके पिंटरेस्ट की पिन के ऊपर एंगेजमेंट भी है। तो इसका मतलब क्या है, बंदा इसके पिंटरेस्ट को पिन को पढ़ता है, उसे पसंद आता है, तभी उसके ऊपर लाइक कर रहा है, तभी उसके ऊपर एंगेजमेंट कर रहा है। अब आपको भी क्या करना है, अपने पिंटरेस्ट के पिन को इस तरीके से डिजाइन करना है कि उसके ऊपर एंगेजमेंट भी है, उसके ऊपर लाइक भी है और प्लस में उसके ऊपर कमेंट भी है। अब इसका बेनिफिट क्या होता है गाइस, अगर आपकी जो पिंटरेस्ट की पिन है, कुछ भी लगा लो, अगर आपकी यूट्यूब वीडियो है, आपका पिंटरेस्ट का अकाउंट, आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट, आपका फेसबुक का अकाउंट है, अगर फेसबुक के ऊपर आप पोस्ट करते हैं, पिंटरेस्ट के ऊपर पोस्ट करते हैं या फिर आप इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट करते हैं, अगर उसके ऊपर एंगेजमेंट आती है, लाइक मतलब उसके ऊपर लाइक आ रहा है, उसके ऊपर कमेंट आ रहा है, तो इससे क्या होता है, जो उसकी एल्गोरिथम होती है, इंस्टाग्राम की एल्गोरिथम हो गई, फेसबुक की एल्गोरिथम हो गई, पिंटरेस्ट की एल्गोरिथम हो गई, यानी कि एल्गोरिथम के ऊपर क्या जाता है, पॉजिटिव इंपैक्ट जाता है। पॉजिटिव इंपैक्ट जाने की वजह से वो क्या करता है, इसकी रीच को बढ़ा देता है। तो अगर आपको आपको अपने पिंटरेस्ट की पिन की रीच को बढ़ाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसी पोस्ट बनानी पड़ेगी जिसके ऊपर एंगेजमेंट आए। जितनी ज्यादा एंगेजमेंट होगी उतना ही क्या हो जाएगा, आपके पिंटरेस्ट की पिन क्या हो जाएगी, उतने ज्यादा लोगों तक जाएगी। जितना ज्यादा लोगों तक जाएगी उतना क्या जाएगा, उसके ऊपर व्यूज आएंगे, जितना उसके ऊपर व्यूज आएंगे उतने क्या हो जाएगा, आपके सेल्स के चांस बढ़ जाएंगे। तो लास्ट पॉइंट हमारा क्या था, एंगेजमेंट। तो गाइस अगर आप इन पांचों पॉइंट्स को अच्छे से समझते हैं, अच्छे से अप्लाई करते हैं और ढंग से कॉम्पिटिटर एनालिसिस करते हैं, तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि आप अपने फील्ड के सबसे टॉप प्लेयर को भी बीट कर सकते हैं। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें, वह इसको लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।